हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो। मैं स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल और फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के सात बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ क्योंकि आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत बीमार हो गई थी रात में। तो आज मैंने सुबह कुछ काम भी नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया, सब कुछ आज मम्मी ने ही किया है। और मैं अभी उठी हूँ, बस नहा ली थी सुबह क्योंकि आज गुरुवार था, मेरा व्रत था, तो नहा ली थी और नहा के फिर लेट गई। तो अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज ब्लॉग भी बनाया, आज मैंने बहुत बड़े बड़े सपने बनाए सजाए थे कि आज हरियाली मावस है। तो मैंने सोचा था कल मैं हरी हरी चूड़ियाँ लेके आई थी, मैंने सोचा था सब हरा हरा पहनूंगी, साड़ी भी हरी, बिंदी भी हरी, चूड़ी भी हरी, सब कुछ हरा हरा करूंगी क्योंकि आज हरियाली मावस थी। पर पता नहीं था कि मैं बीमार हो जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी सो के उठी हूँ, मैं तो सुबह भी उठ गई थी, फिर मतलब नहा धो के और फिर सो गई थी और अभी उठी थी तो सोचा चलो चाय बना ले मम्मी के लिए। तो मम्मी बोली कि नहीं मैं नहीं पीऊँगी चाय, कई टाइम ज़्यादा हो गया है, 7 बज चुके हैं, अभी ड्यूटी से आई हैं कि खाना खाएंगे तो चलते हैं खाना बना लेते हैं। और परसों मैंने सब्ज़ी मंगाई थी पतिदेव से, तो उन्होंने कहा था सब्जी में मैं मतलब दो तीन सब्जी लेके आई थी, बोले थे अरवी के पत्ते भी लेके आया हूँ। तो मैं ठीक है, तो मैंने कल अरवी के पत्ते बना नहीं पाए थे तो, और आज मैं बीमार हो गई तो मैंने नहीं बनाए। अभी मैंने सोचा चलो अरवी के पत्ते बना लेते हैं, रखे हुए हैं नहीं ख़राब हो जाएंगे। तो देखा सब्जी की डलिया में अरवी के पत्ते वो ठेले पर ही छोड़ के आ गए, पैसे दे आए थे उसको और अरवी के पत्ते वहीं छोड़ के आ गए। अब 2 दिन बाद थोड़ी ना कोई अरवी के पत्ते देगा। तो बस सब्जी मुझे बनाना नहीं है आज, मम्मी ने आज हरियाली मावस थी तो पक्का खाना कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो मम्मी ने आज कढ़ी चावल वगैरह बनाए थे तो वही रखे हुए हैं और देखते हैं कुछ बनाएंगे। तो सब्जी तो बस बनाना नहीं है कुछ, अरवी के पत्ता बनाने की सोच रही थी पर वो वहीं रह गए। तो चलते हैं बनाते हैं फ्रेंड, कुछ करते हैं आगे का काम, तो चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए देवू का दोस्त आ गया है और शर्मा रहे हैं दोनों की दोनों। तो करने ये आया है पढ़ाई करने के लिए, क्यों आए बिट्टू? ये देखो कैसे शर्मा रहे हैं, क्यों क्या करने आए हो, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हो देवू के पास? इंग्लिश? तो ये आया था देवू के पास इंग्लिश पढ़ने के लिए और दोनों कर रहे हैं पढ़ाई, लैपटॉप भी रखा है सामने। और ये देखो नाक पर के, नाक क्या हो गया, नाक पे नाक आ रही है क्या? तो चलो इनको करने देते हैं पढ़ाई। क्यों शर्म आती है? फ्रेंड देखिए हंसू पी रहा है पानी और खाना खा लिया है इसने और टीवी देख रहा है साथ साथ में। तो फ्रेंड चलते हैं कुछ किचन में करते हैं तैयारी। और ये बनाई थी कढ़ी मम्मी ने सुबह और इसमें चावल रखे हैं, रोटी रखी हुई है, रोटियां सेकना है। थोड़ी सी मैं अपने लिए मिर्ची तलूंगी क्योंकि मैंने सुबह खाना नहीं खाया था, व्रत भी था और मैं बीमार भी थी तो भूख भी नहीं लगी थी तो इस वजह से। और इसमें देखिए पापड़ सेक के मैंने टांग दिए हैं। वैसे तो मैंने किया था सो के उठी थी, मतलब उठी मैं आज 10:30 पर थी, फिर हम पति देव को लेके आए थे दवाई तो मैंने वो खाई थी पहले। दवाई खाने के बाद वो गैस की दवाई थी ना, तो इस वजह से मैंने खाली पेट खा ली थी। उसके बाद मैंने खाने गई, नहाने के बाद फिर मम्मी ने जब तक कढ़ी खदका दी थी तो उसको मैंने अच्छे से पका दी थी, मतलब कढ़ी। तो फिर मैंने उसको मतलब उसमें तड़का लगाया, बघार लगाया कढ़ी में और चावल मम्मी ने बना दिए थे, पकौड़ी मम्मी ने सेक दी थी, तो पापड़ मैंने तले थे और मम्मी ने आटा गूंद दिया था तो मैं रोटी बनाई थी।
कितना सा काम मैंने किया था सुबह, अभी भी मेरी हालत है ना बिल्कुल, हाथ पैर बिल्कुल लूज है, मतलब ताकत नहीं है हाथ पैरों में। तो फ्रेंड आज दूसरा दिन और चाय वाय पी लिए, देवू के लिए बना दिया है नाश्ता, नाश्ते बनाया पोहा, और देवू बैठा है अपनी चैन के इंतजार में, संतम के इंतजार में, और नाराज है क्योंकि कह रहा है स्विमिंग पूल क्लास लगा दो मेरी उसमें, तो वो नहीं लगाएगी। मैंने सिखाया था कि गाना सीख लो म्यूजिक, तो इसने मना कर दिया था, अभी इसने बोला कि स्विमिंग लगा दो, मैंने मना कर दिया। ये देखिए आंसू सो रहा है, क्यों हो रहा है स्विमिंग क्लास में, कितना तो फायदा है, क्या फायदा है, क्यों टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट हो जीतो ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा, ये कितना कुछ मिलता है। म्यूजिक में मैं वैसे वो तो बोलने वाले है कभी का आवाज वैसी मेरी फीस हो रही है। म्यूजिक में क्यों जाऊँ, मेरा तो खुद हमें इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट आ गया, एक महीने से भी टीचर भी आ रहा हूँ। खिड़की पर छोटा सा बाबू बैठ गया है आके, बुड्ढा बाबू बाबू इधर देखो बाबू, आहा ये सुंदर सा बाबू आके बैठ गया, क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या नाम रख लिया इसका, अनंत बाय। ये देखिए फ्रेंड अंशु सो रहा है, और ये मैंने चाय पी थी, मैं ग्लास ले लेती हूँ, चलो अनु करेंगे, अनु करोगे, नहीं अनु नहीं मैं चला सो रहे, अभी सो के उठे हो फिर सोओगे, हाँ नहीं सोते, नहीं अनु नहीं मैं चला सो रहे, तो चलो ब्रश कर लो, स्कूल जाओगे, नहीं मैं मुझे सोना है, कुछ भी नहीं करोगे सोओगे, हाँ तो सो जा। तो फ्रेंड स्कूल स्कूल से नहीं जाना है, नहाना भी नहीं है, देखिए आप मैं सोऊंगा सोऊंगा करके, और बस सारा झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, सारा काम से हो गई हूँ फ्री, उधर चल रही है वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुल रहे हैं, और पर्दे वर्दे लगनी क्योंकि मैं पर्दे वर्दे सब पूरा फटकार के झाड़ू लगाती हूँ। तो इधर देखिए ये भी पर्दा खुला हुआ है, इसको भी कर देते हैं, सारे सब कुछ पूरा काम, झाड़ू पोछा सफाई, बस नहाना बाकी रह गया है, नहाने जाती हूँ बढ़िया से। देखिए इधर भी सारा कुछ साफ कर दिया है, पोस्ट देखिए पोस्ट भी एकदम क्लियर कर दिया है, धुलाई करके पोछा लगा दिया, अब सिर्फ नहाना रह गया है, तो चलते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, मैं और हम लोग खाएंगे, तो क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, जब कोई मैं पतिदेव नहीं खाते ना तो सब्जी समझ में नहीं आती क्या बनाना है, तो बस और सुबह सुबह बना लिया था मैंने घी मलाई का, तो ये देखिए घी निकल आया है, बस तो इसको भी छान के रख दिया है, इसको डिब्बे में भरना बाकी है, तो चलते हैं फ्रेंड नहा के फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड नहा के मैं आ चुकी हूँ, और देखिए ज्योति का बच्चों का एडमिशन हो गया एडमिशन दोनों का, कितने कितने पैसे लिए वो, तो बताओ 16,000 दोनों के, 3 साल 16,000 बताओ सही है, 16,000 सही है, ज्यादा चौदह लग रहा है, 25 सही नहीं है, एक बच्चा
फाइनल तो कौन से में कराया है? कौन से में कराया है? पपिया ना पिया पानी से अलग है, नीम को पेड़ लगा है। हाँ तो चौदह यार लेना है, तो मुझे सात सात यार तो भाई माँ में आता है एक यार है उसे भी सात सात पूरी साल है। कौन माँ जी रोड से ही है ना ना सर ऐसे बोल रहा है। हाँ और ना सेंस आई के भी सेंस आई तो बहुत अंदर है बड़ा लेगा कौन हमें अंदर हाँ बहुत माँ अच्छे कौन से है देखिए मैं बना रही हूँ या सेवई की खीर। मैं उस दिन सेवैया ले आई थी तो बना देती हूँ, मम्मी को बहुत पसंद है तो ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी। बना लेते हैं खीर की, रखा है दूध तो सारी मलाई भी डाल दूंगी, इससे स्वाद आ जाएगा टेस्ट। और फिर डाल दी मैंने सोया तो अच्छे से पकाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए सब्जी मैं बना रही हूँ आलू की, तो इसमें लाल मिर्च हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और एकदम घुटमा सब्जी बनाऊंगी अच्छे से। और इधर मैंने ये आटा मूल के रख दिया है कचौड़ी का, तो इसमें अजवाइन लाल मिर्च नमक डाल और थोड़ा सा रिफाइंड मोहन डाल दिया है, तो इससे पूड़ियाँ बिल्कुल मुलायम और क्रिस्पी हो जाएंगी। और इधर मैंने आलू उबाल लिए हैं, प्याज हरी मिर्च इसमें काट दिए, धनिया और मसाले ऐड करना बाकी है तो कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड कचौड़ी मैंने बना ली है और ये देखिए खीर भी बना ली है सेवई की खीर, आलू की सब्जी, कचौड़ी और ये अंशु के लिए रखी हुई है और अंशु लेटा हुआ है तो खा लेते हैं कचौड़ी और आप लोग भी खा लीजिए और नहीं तो घर पर बना लीजिए। और मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और ये ले थी फ्रेंड अंशु हमेशा गुस्सा में रहता था। बाय बाय।